मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भाव बेटी, हम लोग लड़के को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आ। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा, ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके। अरे पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था आज रात को सुहागरात बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे बीच का बना दिया। अरे बचाओ, बचाओ, मुंह बंद कर इसका। अब सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो उसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। आप इस लड़की से शादी करेंगे? लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं रिजेक्टेड मां से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर, आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हर की शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसे बच्चे पे थोड़ा तरस खाइए, आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे लुक का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना, अपुन मनाता ना शादी। अरे दूल्हा मिल गया। अरे उस खली को संभालो, आप शादी करोगे ना? जल्दी बताओ कहां ले जा रहे हो। चलो हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे नहीं, पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना, ये तो अपने लंगोटिया यार। लंगोटिया? इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। हे रवि, बड़े कॉलेज में जा रहे हो, मन लगा के पढ़ाई करना। वहाँ फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना, समझ गए? हेलो, स्कूटी एक महीने पहले बुक की थी पर अब तक डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मैंने सारे पैसे एक साथ भरे थे, फिर अब तक अपनी स्कूटी क्यों नहीं भेजी? जल्दी बताओ ना मेरी स्कूटी कब आएगी। अरे एक तारीख तो बता दो। सॉरी सर। क्या मैडम, मोबाइल पे बात करने का ये मतलब तो नहीं है कि आसपास के लोगों को धक्का देते चलो? कौन सा पहाड़ टूट गया, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मिस्टर रवि, मोहतरमा सारा सामान उठा चुकी हैं, हाथों से झाड़ू लगाना बंद करें। थैंक यू। सॉरी सॉरी, इट्स ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे रोमियो की औलाद सॉरी सॉरी पे अटका रहेगा क्या? चल ट्रेन का वक्त हो गया है, चल जल्दी चल। ए बोला, उसे देख के मुझे उस लड़की की याद आ गई। किस लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो मेरी कामयाबी की वजह बने, जिसकी वजह से मैं पुलिस रवि बनूं, वही लड़की। उसने मेरा कुछ छीन लिया है। अरे क्या छीन लिया, कुछ बताएगा भी? यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरा चैन छीन के ले गई है। कुछ लेके नहीं गई अभी है, कुछ छोड़ के गई है। आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई ही जा रही है। अरे कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। आ,
रमेश चुप बैठो ना। ए रमेश डिस्टर्ब मत करना यार। ए रवि क्या हुआ भाई? ये बताइए रमेश कौन है और आया कहां से? मेरा बेटा। हा? तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। देख बेटी ज्यादा फ्रेंडशिप मत करना। एक ही बेटा है? छे, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर मैं यहाँ और बैठा तो तू अपने बच्चों का मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली बुला। मैं तो चला। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही हो? हम परेशान क्यों हो रही हो? चलिए आ रही हमारी, चलिए आइए दादी। एक मिनट रुको। तुम स्टेशन में नहीं आ रहे हो क्या? कहां? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम? दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहां चलोगी? सुनो तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना? इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है ट्रेन? दादी आप आ जाइए, मैं कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी है। वो जा रही हो? चलो ना मुंबई। चुप रहो ना, जल्दी से। मैं जा रही हूं। कहीं कहां जा रही हो? ए सुनो बाय बाय बेटा। बाय दादी। हेलो। क्या हुजूर, बेगम से बात हुई? क्या कर रही है वो? बेगम आई नहीं। क्या मतलब नहीं आई? अरे क्या बताऊं, वो नहीं जा रही थी, उसकी दादी जा रही है। मेरा सरकारी हो बेटा। ए बेटा बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ मुंबई जा रहे हो? नहीं जापान जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे। अरे तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। अरे तुम कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे, सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है, लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना उसकी कभी शादी नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। कंघी लेने तो नहीं, ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कह रही हो? दिखने में तुम सीधी शादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ, तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो? मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया। यादगार के लिए? हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो गया ना। सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं कुछ नहीं। पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ा हूं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी। हाय मेरे सोना बेटा, थक गया हूं। दादी अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर।
ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना, अंदर चल। अरे बेटी तू क्यों बाहर खड़ी हुई है, अंदर आना। आ जाओ। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो, भाई वाह क्या बात है। पहली बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा, थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी कुछ नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अपनी लाई। दादी मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। बैठे रहे, चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो, क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी, अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। हाँ, तो कैसा चल रहा है, मतलब जिंदगी कैसी चल रही है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था इसलिए मैं बात कर रहा था। पागल है क्या, ये क्या कर रहा है? मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है, बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला मुझे दे, ये लीजिए। हाँ रवि फोन बज रहा है। हाँ दादी उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर, वो क्या होता है? रुको मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोला यार, पहुंच के फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से? अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ कुछ बताना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है, ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी, इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे ताकि उसे बेच कर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना ये मुझे इस तरह घूर घूर के ना देखे, कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा एकदम अपने दिल के पास, आई मीन अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है, नमस्ते। अरे रवि अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी? चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी। दादी हाँ? अरे रवि तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, आप पुलिस स्टेशन में, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, मैं तो मदद कर रहा था। हम लोग यहाँ पे एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे। दादी ये क्या, दादी मैंने तो वो कंगन आपको परसों ही लौटा दिया था। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, इसका स्कूटर चोरी हो गया, हम उसकी कंप्लेंट लिखाने आए थे। अच्छा ये बात है, चोरों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्कूटी चुराने की, और ये उस वक्त क्या कर रही थी? ज्यादा टेंशन मत लो, हमने कंप्लेंट लिखवा दिया है, ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। तू हमें ऑटो में घर छोड़ सकता है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आया ऑटो लेकर के। दादी आप भी ना, भिखारी से भीख मांग रहे। अरे आ ना। बड़ी खुश लग रही हो, मैंने कल रात भर जाग के इसका पता लगाया और उसे ले आया, क्या करें मेरे अंदर एक पुलिस वाला तो छुपा हुआ है, चेक कर लो सब ठीक है ना। हाँ तो दादी जान अब मैं चलूं। ठीक है पर बीच में आते जाते रहना। अरे गैस पर दूध चढ़ा हुआ है, अभी आती हूँ। तो मैं चलूं? ठीक है। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? मैं अभी कैश लेकर आती हूँ। कैश? तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? कुछ और चाहिए। कुछ और? कु, कु,
कुछ ऐसा जो अंदर से आता हो, अंदर से। अंदर से, अंदर से। हाँ हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो, आ जाएगा, ट्राई करो। अच्छा आप सब जी, थैंक यू। लो, इतना ट्राई करने पर यही निकला? थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा था, अगले 6 महीने के लिए तो मेरा काम हो गया। स्कूटी को देखते उसका चेहरा देखने लायक था। वो भागती हुई आई और जोर से गले लगा और बस चूमती गई। तुझे चूमा? आई, स्कूटी को। ए, लेकिन लगा जैसे वो मुझे चूम रही थी। इतना ही नहीं, उसने प्यार से मेरा हाथ थामा और थैंक यू यूं बस कहती ही गई। आखिर कुछ तो बात आगे बढ़ी ना। आजकल एक रुमाल वापस देने पर लड़कियां आई लव यू बोलती है, लेकिन तूने तो इतनी बड़ी स्कूटी वापस कर दी। देख वो यहाँ आएगी, तुझे गले लगाएगी और फिर आई लव यू कह देगी। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। यार तेरी बात तो लगता है सच हो गई। अब वो तेरे पास आएगी और जाने का नाम नहीं लेगी, वो तेरे प्यार के समंदर में गोते लगाएगी। अबे शाने हैं, उसे भाव मत दे, एटीट्यूड ला, बी डिफरेंट। बहुत अच्छे, भाव खा, उसे देखने का नहीं, पीछे मुड़ने का नहीं, जल्दी बोलो ना। तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मेरी परमिशन के लिए क्यों वेट कर रहा है, निकल। पता नहीं प्यार में कौन से झंडे गाड़ेगा। चलो चलो चलो, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर बैठ के हम अकेले बात कर सकते हैं। बोलो। वो क्या है ना, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होता है, एक लड़का बोले तो ठीक है लेकिन एक लड़की बोले तो थोड़ा अजीब होता है। इसलिए तो पता नहीं कि शुरू कहाँ से करूँ। अब इसमें इतना क्या सोचना, जो बोलना है बोल दो। बोलो। वो मैं, दरअसल मैं वो, इस तरह गोल गोल बात करने से कोई फायदा नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ ना। वो क्या है ना, वो जो मेरी दोस्त है ना। हाँ तो उसको क्या हुआ? उसका नाम गीता है। हाँ अच्छा नाम है, तो मैं क्या करूँ, तुम प्लीज हमारी बात करो ना। वो ना बात कुछ बड़ी नहीं है, बस छोटी सी बात है, पर मेरी तरह उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई है, बस 2 दिन पहले ही चोरी हुई है, तो मेरी तरह उसकी स्कूटी भी ढूंढ कर दो ना, जैसे मेरी ढूंढी थी। क्या उसकी स्कूटी ढूंढनी है? तुम्हें बस यही कहना था? इतनी देर से तुम यही कहने की कोशिश कर रही थी? ओए, दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? लड़की को घूरना बनकर नीचे देख, प्यार में इतना डूब गया कि नीचे फुहारा शुरू हो गया है। सॉरी, पूरा ग्राउंड गीला कर दिया। मुझे लगा तुम्हें कुछ और कहना है, क्या सोचा और क्या हो गया? तुमने क्या सोचा था? हाय रवि। फ्रेंड है उमा। तो आ ही गई तुम्हारी एंजल हमारे कॉलेज में। एंजल? और नहीं तो क्या, तुम ही हो इसकी एंजल। ये दिन रात तुम्हारे सपने देखता है, हमेशा तुम्हारी बातें करता है, ये तुमसे प्यार करता है। प्यार? क्या हुआ? इसके खोपड़े में 12 क्यों बज गए? अरे ये पागल है। सॉरी रवि, मुझ पे भड़कना मत। भड़कू नहीं तो क्या करूं? अरे वो मुझसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तुम तो कह रहे थे रास्ता साफ है। क्योंकि मुझे यकीन था कि वो पट जाएगी और आज के बाद कोई चांस नहीं। रहने दो, मैं एक लड़की हूँ और उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ। स्कूटी तो बहाना है, वो दरअसल तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। सच कह रही हो? यहाँ से निकलने से पहले वो पलट के तुम्हें जरूर देखेगी। पलटने का मतलब? अरे मतलब वो भी तुम्हें चाहती है। अच्छा,